शिवसेना को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ संजय राउत का है। एनसीपी की आज जो स्थिति है उसके लिए संजय राउत जिम्मेदार है। संजय सिरसाट ने दिया बड़ा बयान। सुप्रिया सुले बन सकती है राष्ट्रवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद पवार और अजित पवार में हुई चर्चा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इस्तीफा दिए। राहुल गांधी और एमके स्टालिन ने सुप्रिया सुले को फोन किया और एमके स्टालिन की सुप्रिया सुले से हुई चर्चा। शिवसेना नहीं होती तो अयोध्या में नहीं बनता राम मंदिर, संजय राउत का बड़ा बयान। समिति जो निर्णय लेगी वो मंजूर होगा, बैठक में शरद पवार की भूमिका। अजित पवार एनसीपी में लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संजय राउत का एक सांकेतिक बयान। रत्नागिरी में राज ठाकरे के स्वागत की तैयारी चल रही है। मनसी अध्यक्ष राज ठाकरे 6 मई को रत्नागिरी में सभा करेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज से 4 दिन तक कर्नाटक दौरे पर, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में रहेंगे उपस्थित। शरद पवार नहीं माने, अब इस्तीफों का दौर जारी। जितेंद्र आव्हाड ने एनसीपी से दिया रिजाइन। फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग, सकल हिंदू महिला समाज की ओर से बयान जारी किया गया। गौतम गंभीर से बहस के बाद अनुष्का को लेकर मंदिर पहुंचे विराट कोहली। मुंबई में सड़कों फुटपाथों पर अवैध फेरी वालों का अतिक्रमण, कार्रवाई के बाद भी स्थिति जैसी ही है। नासिक द्वारा इलाके में फ्लाईओवर पर भीषण हादसा, मुंबई से नासिक जा रहे मालवाहक ट्रक और पिकअप में हुई टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए गंभीर। किसी को आना होगा तो भाजपा का दरवाजा खुला है। राष्ट्रवादी में राजीनामा सत्र के बाद 52 कुले की खुली ऑफर। 10 तारीख से पहले एनसीपी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और अगले दिन से सत्ता गठन का आंदोलन शुरू हो जाएगा। प्रभास की फिल्म रिलीज का क्रेज बरकरार, आदि पुरुष कर रहा है ट्रेंड, फैंस बोल रहे हैं जय श्री राम। पवार की किताब के बिंदुओं का जवाब देंगे ठाकरे, संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। लाखों छात्रों को हाईकोर्ट से लगा झटका, आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% हुआ अनिवार्य, सरकार अधिकारी विचार कर निर्णय ले सकते हैं। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई बढ़ोतरी, सोना 61,640 रुपए तोला, वहीं चांदी 76,800 रुपए किलो। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे सचिन तेंदुलकर, सैकड़ों बच्चों को मिलेगी शिक्षा।